Hello students, let's continue with our English online class. We are going to continue with exercise of lesson number 1, Monday morning blues. We have done exercises up to question A7. Now it's turn of question number A8. Let's begin it. Here 8 box is given and we are seeing that the word break is used in many ways. The word is same but prepositions are added after the word break so the meaning has gone completely changed so let's go through them according to the sentences we have to make use of the given phrasal prepositions at very first place we are seeing on his way to the office mr paul's car dash then there was no one to help म सो so, कहता है ऑफिस जाते टाइम मिसटर कार मिस्टर पॉल की जो कार है उसको क्या हो गया डैश देअर वॉज नो वन टू हेल्प हिम और वहाँ मदद के लिए कोई भी नहीं था सो वी नो दैट वी आर हैविंग वर्ड्स ब्रेक डाउन ब्रेक इंटू ब्रेकआउट ब्रेकअप एंड ब्रेक ओपन नाउ वी गो विद द वर्ड्स ब्रेक डाउन Now we see that was is given here, so the sentence is in past. So break broke broken. Mr. pal's car, you will go with broke down. You will write the this prepositional phrase broke down. Broke down का मतलब होता है बेटे खराब हो जाना किसी मशीन का. To stop working काम करते करते मशीन का खराब हो जाना. टू फेल नेक्स्ट इज द रॉबर्ट डैश द सेफ एंड एस्केप्ड विद द लॉट ऑफ मनी अब कहता है रॉबर्ट्स के होते हैं बेटा लुटेरे जो चोर लुटेरे होते हैं द रॉबर्ट्स डैश द सेफ रॉबर्ट्स ने सेफ को क्या कर दिया एंड एस्केब्ड एस्केब्ड होते हैं बच के निकलना विद लॉट ऑफ मनी और बहुत सारे पैसे के साथ बच निकले सो वी आर हैविंग वी हैव यूज दिस ब्रेक डाउन नाउ फोर ऑप्शन आर लेफ्ट ब्रेक इन टू ब्रेकआउट ब्रेकअप या ब्रेक ओपन नाउ द रॉबर्स ब्रोक ओपन ब्रोक ओपन द सेफ उन्होंने सेफ को तोड़ दिया एंड एस्केप और बच निकले वी आर दैट वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म हेयर सो वी विल मेक यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म हेयर ऑल्सो अब बेटा ब्रेक ओपन का मतलब क्या है टू ओपन सडनली अचानक से खोल दी उन्होंने सेफ नेक्स्ट है अच्छा नंबर थ्री वी आर हैविंग लेट्स डैश फॉर लंच वी विल मीट अगेन आफ्टर एन आर एट द सेम प्लेस द प्रिंसिपल अनाउंस्ड प्रिंसिपल सर ने क्या अनाउंस किया कि लेट्स डैश फॉर लंच कि हम लंच के लिए एक क्या लेते हैं ब्रेक लेते हैं और एक घंटे के बाद हम इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे नाउ वी सी

एवरी वन वॉज फास्ट अस्लीप अब चोरों ने कहते हैं रात को घर में क्या किया जब हर कोई बहुत गहरी नींद में फास्ट अस्लीप बेटा होता है बहुत गहरी नींद में हर कोई सोया हुआ था द थीफ ब्रोक इंटू ब्रोक इंटू बेटा ब्रोक इंटू होता है मतलब जैसे कि किसी चीज के ऊपर टूटना या इंटरमिशन मतलब कि उन्होंने घर में सेंध लगा ली घर में वो आ गए ब्रोक इंटू द हाउस एट नाइट वैन एवरी वन वॉज फास्ट असली एच नंबर फाइव द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वंग इन टू एक्शन वैन दे हर्ट दैट मलेरिया हैड डैश इन द सिटी मलेरिया हैट नाउ वी सी दैट ब्रोकन आउट मलेरिया हैड ब्रोकन आउट ब्रोकन आउट मीन्स होता है बच्चे टू स्टार्ट सडनली एंड वी यूज़ दिस फ्रेजल प्रपोजिशन वेन वी गो विथ फाइटिंग और वार्स और फायर्स मीन्स भड़क जाना मतलब तो मलेरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा सिटी में फैल गया तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है स्वंग इन टू एक्शन वो भी एक्शन में आ गई थी नेक्स्ट इज आई होप क्लास दैट ए एट एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू now we are going to do exercise number a9 here we are having with exercise a9 some pair of words look so similar that they get confused with each other four such pairs are given below it means that some words look so similar that here is slight difference of any letter

एच डबल ई एल हील होता है बेटा बैक ऑफ द फूट जो पैर की एडी होती है उसके लिए भी हम हील वर्ड यूज करते हैं एंड एच ई ए एल मीन्स होता है टू गेट हेल्दी अगेन बिल्कुल दोबारा से ठीक हो जाना सो द वोंट टू का लॉन्ग टाइम टू हील सो वी विल गो विद द वर्ड एच ई ए एल हीयर ओके नेक्स्ट इज आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स डैश डिस्कस अब कहता है मुझे लगता है इस पॉइंट को हमें दोबारा से आगे भी डिस्कस करना है देन दिस इज़ फारदर एंड दिस इज फर्दर दिस फारदर होता है बेटा जो हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड एंड दिस फर्दर हेयर यू इज़ अप्लाइंग इसका मतलब होता है आगे आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स फर्दर डिस्कशन अभी हमें और आगे डिस्कशन करनी है इस पॉइंट पर नेक्स्ट इज द मदर जेंटली डैश द बेबी ऑन द ग्रास कि मदर ने ना बहुत आराम से बेबी को ग्रास पर रखा लिटाया मीन्स सो ले और लेट सो वी नो दैट जेंटली द मदर जेंटली ले द बेबी ऑन द ग्रास लास्ट इज वेयर डिड यू डैश दैट ब्यूटिफुल पेन ऑफ योर्स हेयर वी आर दैट हेयर इज़ द वर्ड लूज एंड हेयर इज़ द वर्ड लूज़ सो अब आपने कहाँ पर पेन को लूज़ किया है सो so, वी गो विद द वर्ड एल ओ एस ई बिकॉज इस लूज का मतलब होता है बेटा खो देना एंड दिस लूज मीन्स नॉट टाइट मतलब ढीला होना एल डबल ओ एस ई लूज इज इट ओके सो आई होप क्लास दैट दीज एक्सरसाइजेस आर क्वाइट क्लियर टू यू वाई फीलिंग इन यूर ओन ब्रेहविया जस्ट गो थ्रू बाय योर ओन जस्ट डू द एक्सरसाइजेज बाय योर ओन फॉर गुड प्रैक्टिस थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग वीडियो गुड